पे भी ध्यान देता है इक्कीसवीं बिहार राज्य सब सब जूनियर गेम हुआ था उसमें समस्तीपुर जो हम लोग का टीम है वो सेकेंड प्लेस मारी और पटना की टीम ने फर्स्ट प्लेस मारी उस एग्जाम में आपको बैठने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें का फायदा होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए उसमें हमें एग्जाम देना रहता है उस, उसके बाद हमें नंबर आते जिससे हम लोग का नॉलेज बढ़ता है खेल हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है और ऑल द ये चांस पहले नहीं मिलता था लड़कियों को पर अब समाज के समाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और विकसित कर रहा है तो लड़कियों को भी ये सारे मौके मिल रहे हैं

sulfate barium chloride the see the change right. so by doing this experiment we show students that how to you know find the nature of the lens that uh, what are the steps of meiosis, and uh, in which step what kind of changes will occur uh, uh, slide of a एंड आई हैव टू जस्ट मैंसन हेयर थ्रो द माइक्रोस्कोप अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अस्पायर इसीलिए आप हम लोग बच्चों के लिए मैंने वेल well स्ट्रक्चर्ड लैब यहाँ पर प्रिपेयर करवाया है जो कि आप देख सकते हैं सारे बच्चे के रोल वाइज मैंने यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट कर रखा है एंड दिस इज सुदर्शन कुमार एंड लाइब्रेरियन ऑफ सेंट पॉल पब्लिक स्कूल देख रहा शुरुआती दिनों में कम सुविधाएँ और संसाधनों के साथ विद्यालय आरंभ किया गया लेकिन लक्ष्य उस दिन भी बड़ा था सपने उस दिन भी ऊंचे थे सपने बड़े थे आज वो सपने सच होते दिख रहे वेरी पॉजिटिव रोल टू प्ले इन देर लाइफ सिंपली बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन विच हेल्थ एंड हाइजीन इज अ मेजर इशू होता है कि समय से बच्चों को सुरक्षित स्कूल लाना और समय पर बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुँचाना ये हम लोग का मूल उद्देश्य रहता है और नंबर वन चेंज चेंज इन कलर ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्स्टांसेस फर्स्ट बी टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड वी एड सम अमाउंट ऑफ एनअल थेलिन इन टू इट दैन इट्स क्ल चेंज यहाँ बच्चे आकर के अपने मनानुकूल बुक पढ़ते हैं और अपने विषय वस्तु से संबंधित भी बातें पढ़ते हैं सीखते हैं देखिए स्मार्ट क्लास में क्या होता है कि बच्चे आसानी से जो है वो यहाँ पर जैसे मैं अभी यहाँ पर दिखा रहा था कि स्टार्च का जो है सो किस तरह से हम लोग परीक्षण कर सकते हैं लेबोरेटरी में बताया था कि लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है जो तो मीडियम जब चेंज करता है तो डेविएट होता है राइट तो वही एक्सपेरिमेंट हम लोग आज कर रहे हैं कि जब लाइट एक, एक रेक्टेंगुलर ग्लास लेब होकर जाती है तो किस तरह से डेविएट करती है जीवन में न्यूज़पेपर इसलिए ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर पेपर करेंट अफेयर्स जैसे मटेरियल उसे मिल जाते हैं जो कम्पिटिटिव व्यू को मदद करता है मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्ल्स और बॉयज सचमुच में जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं वही हमारे जीवन में दोनों का बिल्कुल समान महत्व है जी दर्शकों दोस्तों नमस्कार मैं रजनीश कुमार आप देख रहे हैं टीवी शो का यह खास प्रोग्राम और इस खास प्रोग्राम में मैं हूँ आज तेघड़ा में और तेघड़ा के वह ऐतिहासिक स्कूल सेंट पॉल पब्लिक स्कूल जो अपने आप में एक गौरव को समेटे हुए है अपने आप में एक धरोहर को समेटे हुए है हमारे साथ हैं सेंट पॉल पब्लिक स्कूल के निर्देशक सुनील कुमार सर तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस स्कूल की स्थापना काल से और अब तक की कहानी सर की जुबानी सर बहुत बहुत स्वागत हमारे खास बार में चलिए के वी स्टूडियो के संचालक एंकर और तमाम दर्शकों को सेंट पॉल पब्लिक स्कूल तेघरा की ओर से साधुवाद 2007 में शुरू हुआ यह सफ़र आज 2023 तक असर हम सबसे पहला सवाल लेना चाहेंगे आपसे जो हमारे ऑडियंस यहाँ से देख रहे हैं और बहुत सारे ऑडियंस हमारे इस पेज पे और नए होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा अपना छोटा इंट्रोडक्शन मैं सुनील कुमार सिंह पर्वध निदेशक सेंट पॉल पब्लिक स्कूल तेघरा की ओर से के स्टूडियो के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ पहला सवाल आपका रहेगा आपसे मेरा जो सेंट पॉल पब्लिक स्कूल की स्थापना करने की पीछे का क्या उद्देश्य रहा और सेंट पॉल पब्लिक स्कूल का स्थापना कब हुआ कैसे हुआ वहाँ से शुरुआत करिए तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि सन 2007 10 जनवरी 2007 में यह स्थापित विद्यालय आज अनुमंडल ही नहीं जिले का गौरव बना हुआ है तो 2007 से पहले तेघरा अनुमंडल में अच्छे स्कूल का अभाव था और यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए जिला बेगूसराय या पटना की तरफ रुख करना चाहता था तो इन सब अभिभावकों और छात्रों की परेशानी को देखते हुए प्रसिद्ध रामायणी भी जो हमारे पिताजी हैं रामबली सिंह हैं जिन्हें हमें यह प्रेरित किया कि तुम तेघरा अनुमंडल में एक अच्छे स्कूल की शुरुआत करो कम से कम हमारी इच्छा है कि यहाँ के बच्चों को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर गाड़ी सफ़र करके डिस्ट्रिक्ट टाउन ना जाना पड़े और उसी कड़ी में इस विद्यालय की स्थापना हुई और आज यह विद्यालय अनुमंडल ही नहीं ज़िले का गौरव बना हुआ है नित्य प्रतिशाल हमें लग रहा है कि यह विद्यालय जिला ही नहीं राज्य स्तर पर अपने छात्रों को कंपटीशन के माध्यम से सफल करवाया है पिछले कई वर्षों से हमारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना के इस विद्यालय का नाम रोशन किया है 98 परसेंट मार्क्स के साथ पिछले वर्ष 2022 पिछले 2023 तेईस इस साल 2023 में इस विद्यालय का परचम आसमा तक लहराया है वैसे तमाम पूर्ववर्ती छात्रों को जिन्होंने इस विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाया है विद्यालय प्रबंधन की ओर से साधुवाद धन्यवाद सर आपसे अगला सवाल लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या जब जिस समय आपकी विद्यालय की स्थापना काल हुई थी और एक छोटे जगह से और इतने बेहद पैमाने पर आए थे जिस समय आप छोटे पैमाने पर विद्यालय की स्थापना की थी उस समय क्या लग रहा था कि हमारा विद्यालय या स्टेट में एक अलग पहचान बनाएगी अलग रणनीति के साथ हम लोग और इस रणनीति के साथ हम लोग आएंगे देखिए काम करने की अगर प्रबल इच्छा शक्ति हो ना तो कोई मुकाम दूर नहीं रहता है हम लोगों ने उसी समय निश्चित ही यह ठान लिया था कि इस विद्यालय को जिला ही नहीं वरन राज्य स्तर पर आगे ले जाना है तो इसमें हमारे तमाम सहयोगी जो शिक्षक हैं उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और विद्यालय के पूर्ववर्ती जो भी प्राचार्य रहे हैं आर एन चौधरी जी स्थापना काल से 2014 तक 2014 से 2019 तक डॉक्टर कमलेश कुमार 2019 से 2023 तक दीपमाला सधोत्रा और फिलहाल वर्तमान में समरेश कुमार की देखरेख में यह विद्यालय आज अपनी नित्य प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है सर जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आपका फैमिली ग्रा, बैकग्राउंड जो है काफ़ी किसान परिवार से जुड़ा हुआ है और उस समय जिस समय कि आपने तेखड़ा बाजार में इस चीज़ की स्थापना की थी सेंट पॉल पब्लिक स्कूल का तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स जो आते होंगे किसान परिवार से आते होंगे अभी भी किसान परिवार से आते होंगे तो उन चीज़ों को कैसे यहाँ पे एफर्ट कर पाते हैं वो पेरेंट्स कैसे एफर्ट कर पाते हैं इसके बारे में पता देखिए मैं जिस इलाके से हूँ यहाँ पर नाइन्टी लोग किसान परिवार से हैं तेघरा अनुमंडल में एक भी इंडस्ट्री नहीं है एक भी बड़ा उद्योग कल कारखाना नहीं है यहाँ के अभिभावकों को ध्यान में रखकर हमने इस विद्यालय के फीस का निर्धारण किया आज महंगे स्कूलों में जो भी सुविधाएं हैं राजधानी के स्कूलों में जितनी सुविधाएं हैं उन सबों से बढ़ कर सुविधा हमने तेघरा अनुमंडल के इस विद्यालय में बिल्कुल आधी और चौथाई फीस पर उपलब्ध कराया है जो हमारे किसान तबके के जो भी अभिभावक हैं खुश होकर अपने बच्चों को सेंट पॉल में दाखिला दिलवाते हैं और पढ़ाई करवा रहे हैं सर आपने बताया कि जो हमारे पिताजी का यह निर्देश था हमारे पिताजी का यह विशेष रूप से कहा गया था कि जो आप एक अच्छे स्कूल को खोलिए और इस क्षेत्र के बच्चों के लिए कीजिए तो आपके माताजी का भी कहना कहीं ना कहीं यही सी इच्छा होगी कि हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे एक अच्छे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे आई पी जैसी चीज़ों को एक्सेप्ट करें और हमारे बच्चे बने देखिए किसी भी व्यक्ति सफल व्यक्ति के पीछे उसके माता पिता का स्थान होता है तो हमारे भी माता पिता ने हमको वो शिक्षा दी कि मैं जीवन में आगे ही बढ़ता रहूं और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूं मैं अपने परिवार के बारे में बता दूं कि मैं तीन भाइयों में मंझले स्थान पर हूं बड़ा भाई जो अभी घर पर खेतीबाड़ी करते हैं और उनके बच्चे भी आज अच्छे जगह पर पहुंच गए हैं इंजीनियरिंग करके गवर्नमेंट जॉब में हैं सेकेंड मैं तेघरा में सेंट पॉल पब्लिक स्कूल चला रहा हूँ और हमारा छोटा भाई जो डॉक्टर संभू कुमार जिला ही नहीं राज्य स्तर पर अपना मुकाम स्थापित किया और वह उस जमाने में एम्स न्यू दिल्ली से न्यूरोलॉजिस्ट की डिग्री लेकर विदेश के बड़े बड़े नौकरी को छोड़कर और बेगूसराय के आम आदमी को सेवा देने के लिए तैयार हुआ इन सबों के पीछे हमारे पूज्य माताजी और पिताजी का ही आशीर्वाद था उनका ही प्रताप था कि हम दोनों भाई बेगूसराय में अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा का काम कर रहे हैं तो सवाल सर। सर, लेना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे जो आपका जो स्कूल जिस समय आप शुरुआत में स्कूल किए थे उसमें बहुत कम प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे सरकारी स्कूल ज़्यादा हुआ करते थे और प्राइवेट स्कूल उस समय में खोल के और यहाँ के लोग लोगों को इस चीज़ के प्रति आकर्षित करके इस चीज़ के प्रति ललक जगा के कैसे ये चीज़ संभव हो पाया इसके बारे में थोड़ा सा देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका हमारा मानना है जहाँ भी सरकारी व्यवस्था में खामी आती है वहीं से प्राइवेट का उदय होता है तो सरकारी विद्यालयों में मैं ये नहीं कहता कि वहाँ के टीचर अच्छे नहीं हैं वहाँ के भी शिक्षक काफ़ी गुणी परवीन हैं लेकिन आज के ज़माने के बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के जितने भी संसाधन उपलब्ध हो गए हैं उस स्थिति में उस तरह का लेबर लोग नहीं कर पाते हैं तो जितने भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी क्वालिटी में गिरावट हुई वहीं से प्राइवेट स्कूलों का उदय होना शुरू हुआ तो उस समय जब 2007 में हमने विद्यालय की स्थापना की बात सोचा तो प्राइवेट स्कूल का वाकई उस समय अभाव था प्राइवेट स्कूल थे लेकिन अच्छे प्राइवेट स्कूलों का अभाव था और ख़ास करके इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूल का अभाव था तो हमने यहाँ के लोगों को जो भविष्य में उनके बच्चे कंपटिटिव माहौल में जाएं और कैसे आगे बढ़ें उसी कड़ी में इंग्लिश मीडियम के सेंट पॉल पब्लिक स्कूल तक की स्थापना की और इसका मूल उद्देश्य था यहाँ के ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा बेहतर व्यवस्था दी जाए उस कड़ी में तमाम विद्यालय के शिक्षक बंधुओं ने भरपूर मेहनत किया आज उन्हीं के मेहनत का परिणाम है कि यहाँ के बच्चे हर साल जिला ही नहीं वरन राज्य में सर्वोच्च स्थान हासिल करते हैं सर एक सवाल लेना चाहेंगे वो सवाल है जो आज के समय में पेरेंट्स की ये मानसिकता हो गई है ये चीज़ें देखा जाता है कि जो बाहर के टीचर जो आते हैं दिल्ली से मुंबई से केरल से विभिन्न विभिन्न राज्यों से टीचर आते हैं और लोकल टीचर रहते हैं उनके प्रति जो ये प्रतिस्पर्धा है दोनों में डिफरेंट आते हैं इसको लेके क्या कहना है कि हमारा मानना है कि लोकल में भी जितने शिक्षक हैं वो भी गुणी प्रवीण हैं लेकिन जो बाहर से शिक्षक आते हैं तो आप स्वाभाविक है कि वो विद्यालय में रह के बच्चों को सेवा दे रहे हैं और जो विद्यालय में रह के बच्चों को सेवा देंगे तो बच्चों को सेवा देने के समय में अंतर आएगा और वो बच हमारे विद्यालय में आज साउथ इंडियन केरल से टीचर हैं बंगाल से हैं झारखंड से हैं बिहार के अलग अलग ज़िले से हैं उन्होंने अपने सारे काम को छोड़कर सेंट पॉल पब्लिक की स्कूल तेघरा में यहाँ के बच्चों को गुनी और प्रवीण बनाने का जो बीरा उठाया है उसका यह परिणाम है कि यहाँ के बच्चे हर साल टॉपर होते हैं अगला सवाल रहेगा जो जब आपने विद्यालय की स्थापना किया था उसके बाद आपके मन में विद्यालय में एक आवासीय और हॉस्टल की प्रेरणा कैसे आई और वो चीज़ का शुरुआत कैसे आपने किया देखिए स्कूल की शुरुआत 2010 में हुई तो बहुत सारे जगह हो देहात में जहाँ पर हमारे स्कूल की गाड़ियाँ जाती थी बच्चों को आने में दो घंटा आने में और दो घंटा जाने में चला जाता था तो अभिभावक ने अनुरोध किया कि सर हमारे बच्चों का स्कूल आवर के अलावे चार पाँच घंटा आने जाने में समय बर्बाद होता है आप यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था कीजिए कम से कम आने जाने का समय बच सके तो उसी को ध्यान में रखकर हमने अपने सेंट पॉल पब्लिक स्कूल तेघरा के स्कूल कैंपस में ही रेसिडेंशियल व्यवस्था की और आज भी हॉस्टल छात्रावास में सौ बच्चे रह रहे हैं और रात दिन जो भी टीचर हमारे बाहर से आए हैं उन बच्चों के ऊपर विशेष मेहनत करते हैं और उन बच्चों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहा है तो आवासीय में क्या क्या खास है हमारे विद्यालय में है इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइए देखिए हमारे अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है हमारे हॉस्टल में या हमारे स्कूल में जो आज के दौर में सी बी एस ई स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए उससे बेहतर सुविधा हमने उपलब्ध कराया है आज भी हमारे विद्यालय में जो साइंस लैब हैं कंप्यूटर लैब हैं इंडोर गेम हैं आउटडोर गेम हैं इन तमाम बुनियादी सुविधाओं के अलावा पीने का पानी हर फ्लोर पर हमारे यहाँ वैसे पूरा जो पानी का सिस्टम है वो आर ओ वाटर का है हर फ्लोर पर बच्चे के लिए बच्चियों के लिए अलग अलग यूरिनल अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था है खास करके पानी के मामले में आज तक हमारे यहाँ कभी किसी बच्चों की शिकायत नहीं रही हमने बजापते अग्निशमन विभाग से स्कूल और हॉस्टल का लाइसेंस ले रखा है कि उस अनुरूप हमने मूलभूत सुविधाएं दी है पीएचई विभाग से स्वास्थ्य विभाग से और ड्रिंक सेफ ड्रिंकिंग वाटर विभाग की ओर से भी हमने सर्टिफिकेट ले रखा है कि हम उस गुणवत्ता की यहाँ पर जो है व्यवस्था देते हैं रही बात हॉस्टल में तो हॉस्टल में हमारे यहाँ वो तमाम सुविधाएँ हैं आउटडोर गेम की व्यवस्था है बच्चों के पठन पाठन के लिए अलग से स्वाध्याय कक्ष की व्यवस्था है और जो भी हमारे स्कूल में बाहर से अलग स्टेट और अलग डिस्ट्रिक्ट से आने वाले टीचर हैं जो हॉस्टल कैंपस में रहकर बच्चों को निस्वार्थ भाव से पठन पाठन की तैयारी करवाते हैं सर आखिर में, में मेरा सवाल रहेगा जो आज के समय में बहुत सारे लोग एक शिक्षा और ख़ास करके प्राइवेट स्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल इन तमाम चीज़ों को गलत नजरिया से देखते हैं बहुत सारे लोग शिक्षा को एक व्यापार मान लिए हैं उसको लेकर विभिन्न तरह के वो बातों को उठाते रहते हैं। इसको लेकर देखिए जहाँ तक हमारी समझ है कि जब भी लोगों को अच्छी पढ़ाई चाहिए अच्छी चिकित्सा चाहिए तो वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था खोज लेते हैं रही बात तो प्राइवेट की तो हमने पहले ही आपको बताया कि जहाँ भी सरकारी व्यवस्था में खामी होती है वहीं से प्राइवेट का उदय होता है तो सरकारी व्यवस्था जो सरकारी अस्पतालों में सुविधा का अभाव हुआ तो प्राइवेट चिकित्सक चिकित्सकों ने अपना अस्पताल खोला और बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं बेहतर सेवा दे रहे हैं उसी तरह सरकारी स्कूलों में थोड़ी बहुत कमी जब आई तो वहीं से प्राइवेट विद्यालयों का उदय हुआ और खास करके जो अपने बिहार का माहौल है यहाँ पर बिहार बोर्ड के स्कूलों की भरमार है और बिहार बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं मोर देन नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट गवर्नमेंट सेक्टर से संचालित होते हैं पॉइंट वन परसेंट जो है प्राइवेट मैनेजमेंट कमिटी से बिहार गवर्नमेंट के स्कूल हैं अब सी स्कूल की परिकल्पना जो बिहार जैसे स्टेट में आई तो वहाँ से बच्चों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनके विद्यालयों को खोला गया तो यह सी बी एफिलिएटेड स्कूल लोगों की नज़र में भले ही थोड़ा खर्चीला लगता होगा लेकिन आगे जब इनके बच्चे सफल होकर इनके पास आते हैं तो उन्हें यह खर्च बहुत मामूली सा लगता है मैं अपने तमाम दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि सेंट पॉल पब्लिक स्कूल तेघरा जिला ही नहीं वर राज्य स्तर पर अपना नाम और अपना मुकाम हासिल किया है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जितने भी राजनीतिक पार्टी हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों उन्होंने तो इसकी तो शिकायत की ही लेकिन उन तमाम बच्च अभिभावक के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उन तमाम जो भी अभिभावक हैं अपने बच्चों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो कहा जाता है ना कि मुफ्त खोरी की जब आदत लग जाती है ना तो पैसा खर्च करना उनको भारी लगता है इसी वजह से वो प्राइवेट की निंदा करते हैं सर सेंट पॉल पब्लिक स्कूल की आज तक में क्या खास उपलब्धि रही है इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए देखिए सेंट पॉल पब्लिक स्कूल तेघरा के बच्चे हर साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते आए हैं हमारे यहाँ के बच्चे जब आईआईटी में गए मेडिकल में गए वहाँ के बाद अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किए जो आज हमारा कई बच्चा अमेजन में नब्बे लाख के पैकेज पर है करोड़ के पैकेज पर सेंट पॉलियन पहुंचा हुआ है वो जब आकर मिलता है मैसेज देता है तो हमारे लिए वो क्षण गौरव का होता है आज हमारे बच्चे कई सरकारी पदों पर काबिज हो चुके हैं तो उन तमाम बच्चों को देखते हुए हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखो और हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। सेंट पॉल पब्लिक स्कूल आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखना चाहिए मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से एक बार फिर आप तमाम के भी स्टूडियो के दर्शकों का अभिनंदन करता हूं मैं यह उम्मीद करता हूं यह जो विद्यालय आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉपर है राज्य और देश स्तर पर टॉपर की श्रेणी में आवे और उसके लिए तमाम छात्रों और अभिभावकों से यह उम्मीद करता हूं कि वो अपना भरपूर हंड्रेड परसेंट समर्थन सेंट पॉल पब्लिक स्कूल है उस समय से आपने क्या क्या खास बदलाव किए हैं और यहाँ के पेरेंट्स में क्या क्या खास चीज़ देखने को मिला है क्या क्या सामान्य सा, सा, साम दिक्कतों का फेस करना पड़ता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं तो करीब जो है अगस्त Uh, 2023 से यहाँ पे विद्यालय में कार्यरत हूँ और सबसे पहले मैंने ब, बच्चों की जो रूटीन है टाइम टेबल उसमें विशेष चेंज किया बच्चों के लैब साइंस लैब फिजिक्स बायोलॉजी कंप्यूटर लैब स्मार्ट क्लास हर एक क्लास में टी वी के अरेंजमेंट ताकि बच्चे वीडियो के थ्रू भी ऑडियो वीडियो के थ्रू भी अपने करिकुलम को पूरा कर सकें साथ में बच्चों का आउटडोर गेम इंडोर गेम और बच्चों के लिए कुशल शिक्षक अध्यापक अध्यापिकाएं सारी के अरेंजमेंट किया और बच्चों की बहुमुखी विकास के लिए तरह तरह के आयोजन किया जैसे अभी कल के डेट में मैंने आ, आ, सेंट पॉल मैथजीनियस दो हज़ार तेईस साथ में रंगोली इसके पहले आपका इसके पहले भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो पेपर वगैरह में भी आपने देखा होगा न्यूज़ में आई थी तो इस तरीके से हम मेरी ये विशेष प्रयास है कि विद्यालय विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे भविष्य के लिए कुछ अलग किया जाए ताकि बच्चे कुछ अलग सीखें अपने जिस विशेष क्षेत्र में भी विशेष रुचि उनकी है उस क्षेत्र में वो अपना कदम बढ़ाएँ तमाम चीज़ों के बारे में आपने बखूबी नज़र देते हुए बच्चों के प्रार्थना सत्र बच्चों के खेल बच्चों के स्पोर्ट्स या फिर कही जाए तो बच्चों के हॉस्टल्स लाइब्रेरी पुस्तकालय ट्रांसपोर्ट उन तमाम चीज़ों के बारे में आपने नज़र दिया और इस वीडियो में देखे साथ ही सेंट पॉल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक प्रबंधकों का उन्होंने सुना कि जो उनकी क्या कहानी रही है कहाँ से उनका संघर्ष हुआ है इस विद्यालय को सींचने में किन किन व्यक्तियों का अम योगदान रहा है उन तमाम चीज़ों को आपने देखा है यहाँ के स्मार्ट क्लासों को देखा है साथ यहाँ के शिक्षकों को सुना है तब तक के लिए मैं इस खास एपिसोड से भी डालता हूँ आप लोग देखते रहिए केवी न्यूज नेटवर्क और स्टार्स ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल तब तक के लिए मैं खास एपिसोड से भी डालता हूँ थैंक यू